और देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी और बीएसपी सांसद के बीच विवादित टिप्पणी का मामला अब गर्माता जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द के जवाब में बिधूड़ी के बोल बिगड़ गए। ऐसे में अब रमेश बिधूड़ी का पहला रिएक्शन सामने आया है। बिधूड़ी ने सांसद निशिकांत दुबे पर गौर करने की अपील की और कहा कि पूरा मामला स्पीकर साहब के सामने है, वो मांग करते हैं कि सभी तथ्यों की जांच की जाए। आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी और बीएसपी सांसद दानिश अली के बीच बहस हुई थी, जिसमें रमेश बिधूड़ी पर अपशब्द और विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद पहली बार रमेश बिधूड़ी की सफाई सामने आई। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में रमेश बिधूड़ी ने जांच की मांग की है। बिधूड़ी ने कहा कि अभी वो कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ऐसा क्या बोला था दानिश अली ने कि आपको ये सिर्फ इस तरह की चीजें? नो कमेंट। मीडिया पार्लियामेंट की चीज को बाहर दिखा सकती है, हम नहीं दिखा सकते। पार्लियामेंट की कुछ मर्यादा, गरिमा, कुछ चीजें, शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री को लेकर, वो अभी स्पीकर साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मैंने भी स्पीकर साहब से मांग की है, ठीक है ना? क्या मांग किया? ये ठीक है, इसकी दुबे साहब ने जो कहा है उसकी, दुबे साहब की बात को ध्यान रखें। क्या उसमें जांच होनी चाहिए, जो उन्होंने बात कही उसमें जांच होनी चाहिए? अब ये आप लगाओ, इनका अंदाजा लगा, होने चाहिए। नीच शब्द का इस्तेमाल किया था तब जाके आपको इस तरह की चीजें बोले। मैं नो कमेंट, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब स्पीकर साहब के संज्ञान में चीज है, और स्पीकर साहब के संज्ञान में चीज है तो स्पीकर साहब। प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे पहले भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मनीषा करियर ने किया है, तब चीजें निकल कर आई। जब जांच होगी नहीं, कुछ चीजें ऐसी हुई, क्या हुआ, क्या प्रोवोक हो गए आपने इस तरह के शब्दों का?